नाउ वी विल सी जेआईजेएल में क्या आया था, एक अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने क्या किया है बच्चों, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू रूल्स। हालांकि रूल तो देखा जाए तो बच्चों 2011 का रूल है, बट इन्होंने कहाँ पे डाला है, अपने सिलेबस में ये डाला है। क्या है बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, SPDI रूल्स बोलते हैं। ठीक है ना, अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब मैं आपसे पूछूंगा, ये रूल्स बच्चों सिलेबस में एडिशन है, इट्स वी शुड नॉट कॉल इट अमेंडमेंट, इट इज़ एडिशन, क्योंकि रूल ऑलरेडी 2011 के हैं। सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम या फिर सिक्योर्ड डेटा क्या होता है, अगर आपको याद है, जिसने रीजनेबल सिक्योरिटी प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड को अगर वो कंप्लाई करता है, तो दैट डेटा और दैट कंप्यूटर सिस्टम बिकम सिक्योर। तो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रोसीजर क्या है, ये तो अपने को पता नहीं है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब का मतलब होता है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाकर प्रिस्क्राइब करना। तो बच्चों तो रूल्स आ गए, सो डेटा प्रिवेसी एंड प्रोटेक्शन इन टूडेज वर्ल्ड हैज बिकम मैटर ऑफ व्हाट बेटा, राइट्स, द राइट ऑफ प्रिवेसी आप सबको पता है, ओए द राइट ऑफ प्रिवेसी इज योर फंडामेंटल राइट, इट इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल नंबर 21। इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लॉ टू ट्रांसफॉर्म एज वेल, आईटी एक्ट 2000 एंड आईटी, ये जो रूल्स हैं कॉमनली नोन एज SPDI रूल्स, इज वन ऑफ द की लेजिस्लेशन इन दिस एरिया। तो मतलब आईटी एक्ट और ये जो नए रूल्स हैं, मतलब नए मतलब 2011 के जो रूल्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनल डेटा को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एजेंसीज हैं, जो भी एजेंसीज क्या करती हैं बच्चों, जो भी एजेंसीज आपका पर्सनल डेटा हैंडल करती हैं, वो एजेंसीज को कौन कौन सी सिक्योरिटी प्रोसीजर फॉलो करनी है एट द टाइम ऑफ हैंडलिंग योर पर्सनल डेटा, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अंडर सेक्शन 87 सब सेक्शन 2 रेड विथ सेक्शन 43 कब इश्यू हुए थे ये रूल्स बच्चों, 13 अप्रैल 2011 को, जो किससे रिलेट करते हैं बच्चों, सेंसिटिव पर्सनल डेटा को क्या करने से रिलेटेड, प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। तो अब हम क्या देखेंगे, इन रूल्स को देखेंगे। द रूल्स डिफाइन, किसको डिफाइन करते हैं रूल्स बच्चों, सेंसिटिव पर्सनल डेटा अंडर रूल 3, दैट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन शैल बी कंसिडर्ड एज व्हाट बेटा। सो सबसे पहले नीचे लिखे हुए डेटा को, अच्छा ये रूल्स क्या करते हैं बच्चों, आपके सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ पर डिफाइंड है रूल 3 में, क्या क्या है बच्चों, पासवर्ड, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल, प्रेजेंट एंड पास्ट हेल्थ रिकॉर्ड्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड बायोमेट्रिक डेटा। ठीक है, तो ये सारे क्या है बच्चों, हाँ जी, ये आपके पर्सनल डेटा हैं, ये आपके क्या है बच्चों, दीज आर द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, आपके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स वगैरह, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, ओए व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर, दीज आर योर पर्सनल डेटा। एन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, अच्छा नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है बच्चों, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द बॉडी कॉर्पोरेट एंड अंडर दीज रूल्स ही हैज सर्टेन राइट्स ओवर द सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी कलेक्टेड विदाउट द प्रोवाइडर्स कंसेंट एंड ही और शी हैज अ राइट टू एब्सटेन फ्रॉम गिविंग कंसेंट एंड कैन विदड्रॉ द कंसेंट। अपन लोग कौन है, अपन लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, और कोई भी मोबाइल ऐप हो या कुछ भी हो, जब वो अपने से ये सारी चीजों की क्या मांगते हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो उनके उन्हें हमारा क्या लेना चाहिए, कंसेंट लेना चाहिए, और हम कभी भी अपना कंसेंट क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो से कि हमको आपको कंसेंट देना नहीं है। नाउ रूल 4,
किसके बारे में बात करता है? प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा, तो कोई भी इंसान, तो अपन लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं किसके साथ? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? इस एक्ट के अंदर सब कुछ है, फर्म, एओपी, बीओआई, सब कुछ, कंपनी, स्टेटूटरी कॉर्पोरेशन। बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग यहाँ पे काफ़ी वाइड है। तो आप किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, तो आप अपने पर्सनल सेंसिटिव जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, क्या आप विथहोल्ड कर सकते हो, आप मना कर सकते हो? यस। रूल फोर रिक्वायर्स अ बॉडी कॉर्पोरेट टू प्रोवाइड प्राइवेसी पॉलिसी ऑन देयर वेबसाइट विच इज ईजली एक्सेसिबल, प्रोवाइड्स फॉर द टाइप एंड पर्पज ऑफ पर्सनल सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड एंड यूज एंड रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो हर एक बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब जो भी बॉडी कॉर्पोरेट आपसे क्या ले रही है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेती है, उसका उसका काम क्या है? अपनी वेबसाइट पर उसको एक पॉलिसी डालनी है कि वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से क्या करती है, उसका कैसा यूज़ करती है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है। बच्चों, कंसेंट क्या देना है अपने को? कंसेंट देना है, और जिस कंसेंट को अपन कभी भी क्या कर सकते हैं। रूल फाइव रिक्वायर्स दैट प्रायर टू द कलेक्शन ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा द बॉडी कॉर्पोरेट मस्ट ऑप्टेन। क्या ऑप्टेन करना है उनको बच्चों? उनको आपका कंसेंट ऑप्टेन करना है, इधर इन राइटिंग और थ्रू, रिगार्डिंग द पर्पज ऑफ यूसेज बिफोर कलेक्शन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। अच्छा, और जब वो कंसेंट लें आपसे, तो उनको ये भी बताना है कि किस पर्पज के लिए वो आपका डेटा क्या करेंगे, यूज करेंगे। रूल फाइव सब रूल टू रिक्वायर्स दैट बॉडी कॉर्पोरेट शुड ओनली कलेक्ट सेंसिटिव पर्सनल डेटा इफ इट इज कलेक्टेड, इफ इट इज कनेक्टेड टू अ लॉफुल पर्पज एंड इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर दैट पर्पज। कहने का मतलब बच्चों, आपकी जैसे गूगल पे आपके अकाउंट का इन्फॉर्मेशन आपसे मांगती है, क्यों? क्योंकि वो कनेक्टेड लॉफुल पर्पज है ना, वो यूपीआई प्रोवाइडर है। वो क्या है? यूपीआई प्रोवाइडर है, और वो गवर्नमेंट का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आरबीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर जो बॉडी बनी है, उससे वो क्या है? रजिस्टर्ड है। उसके बाद तो आपसे कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आपसे आपका पर्सनल सेंसिटिव डेटा कब मांग सकती है? अरे किस लिए? जब उसको आपका डेटा चाहिए। किस चीज के लिए चाहिए? लॉफुल पर्पस के लिए। नाउ रूल फाइव सब रूल थ्री देखिए। इट रिक्वायर्स दैट वाइल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअल द बॉडी कॉर्पोरेट मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब जब वो आपसे क्या ले रही है, आपका पर्सनल डेटा ले रही है, तो आपको ये सारी चीज़ें बताएगी। क्या बताएगी? आपको बताएगी कि आपसे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको पर्पस बताएगी कि क्यों ले रहे हैं, आपसे लेकर इंफॉर्मेशन वो किसके किसके साथ शेयर कर सकते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ एजेंसी दैट इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। मतलब जो बॉडी कॉर्पोरेट आपसे इंफॉर्मेशन ले रही है, उसका नाम और उसका एड्रेस, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एजेंसी दैट विल रिटेन द इंफॉर्मेशन। कलेक्ट हम कर रहे हैं, और रिटेन अगर कोई और कर रहा है तो उसका भी नाम, और रिटेंशन लिमिटेशन, मतलब कितने साल तक वो रिटेन करेगी, उसके ऊपर क्या क्या लिमिटेशन है, ये सारी चीज़ें। रूल फाइव सब रूल फोर रिक्वायर्स दैट अ बॉडी कॉर्पोरेट मस्ट रिटेन सेंसिटिव पर्सनल डेटा ओनली फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू फुलफिल द स्टेटेड पर्पज और अदरवाइज रिक्वायर्ड अंडर लॉ। कब तक लिमिटेशन क्या है उसके ऊपर? कब तक रखेगी वो आपकी इंफॉर्मेशन? जब तक वो पर्पज फुलफिल नहीं हो जाता, या फिर जब तक लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ के हिसाब से जरूरी है, तब तक वो आपकी इंफॉर्मेशन रखेगी। जैसे हमारे बायोमेट्रिक्स किसके पास रखे हुए हैं? गवर्नमेंट के पास रखे हुए हैं। कब तक रख सकती है वो? हमारे देश में यूआईडीआई एक्ट है, उसके हिसाब से एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, तब तक हमारा बायोमेट्रिक डिटेल कौन रख सकता है? गवर्नमेंट रख सकती है। पर्पस लिमिटेशन रूल फाइव सब रूल फाइव रिक्वायर्स दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी यूज्ड फॉर पर्पस दैट वाज दैट फॉर विच इट वाज कलेक्टेड फॉर। कहने का मतलब, तुमने मेरे बायोमेट्रिक्स लिए हैं, तुमने मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जानकारी ली है, ये सारी जानकारी तुमने मुझसे ली है, तो तुमको उसी पर्पस के लिए यूज करना है जिस पर्पस के लिए तुमने ली है। राइट टू एक्सेस एंड करेक्ट। रूल फाइव सब रूल सिक्स रिक्वायर्स अ बॉडी कॉर्पोरेट टू प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद द एबिलिटी टू रिव्यू द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव प्रोवाइडेड एंड एक्सेस एंड करेक्ट देयर। अच्छा बच्चों, क्या नहीं, ये समय समय पे आपकी जानकारी क्या हो जाती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यूआईडी के पास अपना फोन नंबर है, बट फोन नंबर अगर अगर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। गूगल पे में अपन अपनी डेटा इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी बॉडी कॉर्पोरेट आपकी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रही है, आप क्या कर सकते हो?
उसको चेंज कर, जैसे गूगल, नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स के पास भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नेटफ्लिक्स के पास मेरा डेबिट कार्ड का डिटेल है, जिससे वो हर महीने क्या करता है मेरे अकाउंट से 500 रुपये काट लेता है। तो क्या नहीं से मैं उस इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड भी कर सकता हूँ बच्चों? राइट टू ऑप्ट आउट एंड विदड्रॉ कंसेंट, अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो डेफिनेटली दिल मतलब वो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। रूल 5 सब रूल 7 रिक्वायर दैट इंडिविजुअल मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ प्रोवाइडिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन सॉर्ट बाय द बॉडी गवर्नमेंट, ऑल्सो दे मस्ट हैव राइट टू विदड्रॉ कंसेंट एट एनी पॉइंट। कभी भी आप निकल सकते हो, आप कभी भी विदड्रॉ कर सकते हो, आप कभी बोल सकते हो कि मुझे तुमसे तुम्हारे साथ अपना डेटा शेयर। रूल 5 सब रूल 9 रिक्वायर दैट बॉडी कॉर्पोरेट मस्ट डेजिग्नेट अ ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस, डिटेल्स ऑफ विच मस्ट बी पोस्टेड ऑन व्हाट बेटा। हर एक कंपनी को क्या करना है, जो भी आपका डेटा ले रही है उसको क्या करना है, एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना है जिसके पास अपन अपना ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं कि मेरा डेटा आप किसी और को बेच रहे हो या जो भी। और उसका डिटेल कहाँ पे होगा, बॉडी कॉर्पोरेट की वेबसाइट पे होगी। डिस्क्लोजर विद कंसेंट, प्रोहिबिशन एंड पब्लिशिंग एंड फर्दर डिस्क्लोजर, कहने का मतलब क्या है, तुम अगर मुझसे डेटा लेकर मेरे डेटा को क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। व्हाट्सएप को सब पता है ना बच्चों, आपका नाम, आपके सेक्सुअल इंटरेस्ट, व्हाटएवर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, व्हाट्सएप नोज एवरीथिंग ना। और बीच में व्हाट्सएप कुछ पॉलिसी लेके आया था जिसमें आपके जो चैट्स होंगे उससे वो कीवर्ड्स निकालेगा और अमेज़न वालों को बेच देगा। पता है आपको बीच में व्हाट्सएप पॉलिसी लाया था ऐसा कुछ न्यू पॉलिसी, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि वी हैव रूल्स ऑन दैट, तो फिर व्हाट्सएप ने उस पॉलिसी को क्या किया था, विड्रॉ किया था। अच्छा, आप व्हाट्सएप का जब ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप स्टोर प्ले स्टोर पर जाते हो बच्चों, क्या ना इसे वो इतनी बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, तो आप आई अग्री करते हो। आई अग्री मतलब कि आप उनको कंसेंट दे रहे हो। आपने कभी पढ़ा नहीं, अगर पढ़ोगे तो आपको ये रूल ज़रूर देखेंगे वहाँ पर बच्चों। सो रूल 6 रिक्वायर्स दैट बॉडी कॉर्पोरेट मस्ट हैव कंसेंट बिफोर डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव पर्सनल डेटा टू एनी थर्ड पर्सन और पार्टी एक्सेप्ट इन केस विद द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी, प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन ऑन रिसीट ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट। तो जिस भी एजेंसी के पास क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ क्या करेगी, उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगी, तो आपसे क्या लेगी, कंसेंट लेगी। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के साथ वो शेयर कर सकती है अगर गवर्नमेंट रिटर्न रिक्वेस्ट देती है। किस लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए, ये सारे केसेस में। ऑल्सो द बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन ऑन इट्स बिहाफ शैल नॉट पब्लिश सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड द थर्ड पार्टी रिसीविंग द सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन ऑन इट्स बिहाफ शैल नॉट डिस्क्लोज इट फर्दर। मतलब तुम्हारा कंसेंट लेके वो आगे डिस्क्लोज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ शेयर कर रहे हैं उन्हें किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। प्लस पर्सनल डेटा आपका जो है उसको पब्लिकली क्या नहीं करना है बच्चों, पब्लिश नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट्सएप पे मैं किसी को, मैं अपनी वाइफ को मैसेज कर रहा हूँ कि मैं 1 साल तक के लिए हिमालय जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो व्हाट्सएप को दया दृष्टि नहीं दिखानी। तुम सब स्टूडेंट मेरे पीछे पीछे पड़े हैं, कहाँ हैं दुष्यंत सर, कहाँ है, कहाँ गया, उसे ढूंढो। तो व्हाट्सएप को ये नहीं करना है कि वो क्या करे, पब्लिश करते माला माही थी माइले में मेरे को पता है, नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यू आर नॉट सपोज टू शेयर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको वो कहीं पर भी पब्लिश नहीं करना है। उसके बाद क्या है बच्चों, रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ व्हाट बेटा, सेंसिटिव डेटा। रूल 7 रिक्वायर्स दैट बॉडी कॉर्पोरेट मे ट्रांसफर सेंसिटिव पर्सनल डेटा इनटू अनदर ज्यूरिसडिक्शन ओनली इफ द कंट्री इंश्योर्स सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड मे बी अलाउड ओनली इफ इट इज नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन ऑन इट्स बिहाफ एंड प्रोवाइडर ऑफ द इंफॉर्मेशन वेयर सच इंफॉर्मेशन वेयर सच पर्सन हैज कंट्री। एक मिनट, अब मेरा डेटा किसके पास है, व्हाट्सएप के पास है, या मेरा डेटा हो सकता है जिस bodybuilding.com से, किसी भी, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपका डेटा, जिसके पास आपका डेटा है, वो आपका डेटा किसके साथ शेयर कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री के इंसान के साथ, मतलब ओवरसीज ज्यूरिसडिक्शन में आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है।
तो इस केस में क्या होगा, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी आपका डेटा ओवरसीज ज्यूरिसडिक्शन में सेटिस्फाई ट्रांसफर हो सकता है। पहला, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है मेरा और बॉडी कॉर्पोरेट का, जो क्या है कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर उस बॉडी कॉर्पोरेट को, उस ऐप वाले को मुझे अच्छी सर्विस देना है तो उसको मेरा डेटा क्या करना पड़ेगा, प्लस उसने मेरा क्या ले लिया है, किस चीज़ का कंसेंट लिया है कि वो मेरा डेटा ओवरसीज क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, रूल 8 रिक्वायर्स दैट द बॉडी कॉर्पोरेट मस्ट सिक्योर इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद व्हाट बेटा, ISO 27001 स्टैंडर्ड और एनी बेस्ट प्रैक्टिस नोटिस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विच मस्ट बी ऑडिटेड एनुअली और व्हेन बॉडी कॉर्पोरेट अंडरटेक्स अ सिग्निफिकेंट अपग्रेडेशन ऑफ इट्स प्रोसेस एंड कंप्यूटर रिसोर्स। क्या है बच्चों, आपको इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना है कौन सी प्रोसीजर के साथ बच्चों, मतलब ISO 27001, ये 27001 ये कौन सा स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है कि आप, मतलब ये स्टैंडर्ड आपको कब मिलता है, जब आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से डेटा को क्या करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। तो आईटी कंपनीज को ये डेटा मिलता है जिनके पास दूसरों का क्या होता है, तो इस प्रोसीजर के साथ आपको क्या करना है, डेटा मेंटेन करना है। और ये जो भी डेटा है आपको क्या करवाना है, एनुअली ऑडिट करवाना है कि इसको आप सही तरीके से मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, विच मस्ट बी ऑडिटेड एनुअली। तो आपको ऑडिट दो बार करवाना है, एक मतलब दो केस में, एक तो एनुअली, या फिर अगर आपने डेटा को मेंटेन करने के सिस्टम में क्या किया है, चेंजेस किए हैं, अपग्रेडेशन किया है, तो भी आप एक बार एनुअली तो भी आप ऑडिट करवा लो। क्यों, ये देखने के लिए कि अपग्रेडेड सिस्टम जो है वो सिक्योर्ड है या नहीं है। इन द ईयर 2022 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड अ ड्राफ्ट बिल टाइटल्ड व्हाट बेटा, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मतलब गवर्नमेंट ऑफ मोदी है बच्चों, मोदी विल नॉट रिमेन साइलेंट, ही विल गेट सम न्यू लॉ। द पर्पस ऑफ द बिल इज टू प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा, दिस बिल विल एस्टेब्लिश लीगल फ्रेमवर्क ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, द बिल एम्स टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा इन अ मैनर दैट रिकग्नाइजेस राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस ये एक बिल भी गवर्नमेंट लाने की सोच रही है, मतलब ये बिल है बट ये लॉ आ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग लॉ आएगा, किसके बारे में, पर्सनल डेटा को क्या करने के बारे में, प्रोटेक्ट करने के बारे में, ठीक है। सो दिस इज द दिस वॉज द एडिशन डन इन आवर सिलेबस, तो ये भी आप देख सकते हैं। एंड दिस डील्स विद व्हाट बेटा, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज डन। इसके नोट्स आपके पास नहीं है ना, ये मैं शेयर कर दूंगा, ये ICSI के सप्लीमेंट भी मिल जाएगा आपको, सेम है, मैंने वहीं से कॉपी किया है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और आई विल सेंड यू, ठीक है, सॉरी, हाँ आज आज शेयर करता हूँ भाई।